मकर संक्रांति के नेक चार के आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कि नई बहू पहली संक्रांति से कौन कौन से नियम लेती है। मकर संक्रांति के नेक चार के वीडियो के पार्ट 8 में हमने आपको बताया था कि नई बहू पहली मकर संक्रांति पर कौन कौन से नेक चार अपने परिवार के सदस्यों के लिए करती है। तो पहले के समय में शादी की पहली मकर संक्रांति पर उन नेक चारों का सामान बहू के पीहर से भेजा जाता था। फिर पहली संक्रांति पर बहू नेक चारों के अलावा एक साल के नियम भी शुरू करती है, जिनके उद्यापन का सामान बहू के पीहर से दूसरी मकर संक्रांति पर आता है। लेकिन आजकल यह सारा सामान पहली संक्रांति पर ही बेटी के ससुराल भेज दिया जाता है। और सबसे जरूरी बात, यदि यह सब सामान बहू के पीहर से नहीं आ रहा है या नहीं आ सकता है, तो आप खुद भी यह सब सामान मंगवा कर यह सारे नेकचार और नियम करवा सकते हैं। और यदि ऐसा भी संभव नहीं है तो जितना सामर्थ्य और श्रद्धा हो उतने ही नेकचार या नियम बहू से करवाएं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यह सब नेकचार और नियम किए जाएं। जो सामान बेटी के ससुराल से भेजा जाता है उन सब सामानों की लिस्ट आपको हमारे आने वाले वीडियो में मिल जाएगी। अब इस वीडियो में हम जानते हैं कि नई बहू अपनी पहली संक्रांति से कौन कौन से नियम ले सकती है और उनका उद्यापन कैसे किया जाता है। आप चाहें तो ये सारे नियम एक साल करके अगली संक्रांति पर उद्यापन करें। और यदि आपके यहाँ सारा सामान बहू के पीहर से पहली संक्रांति पर ही आ गया है तो उस दिन सारा सामान कलप कर, जिसे मिनसना भी बोला जाता है, फिर एक साल नियम पूरे करें। या फिर पहली संक्रांति के दिन ही सारे नियम एक एक बार करके उसी दिन इन सामानों से उद्यापन कर दें। अब पहला नियम है 14 औरतों को बिंदी लगाना। इसके लिए 14 सुहागन औरतों को या तो हर महीने या फिर संक्रांति के दिन ही बिंदी लगाकर पैर छूकर सुहाग सामग्री दें। इसके लिए बहू के पीहर से 14 जगह सुहाग सामग्री आती है। दूसरा नियम है सूरज को अर्घ्य देना। इसमें रोजाना स्नानादि से निवृत्त होकर सूरज जी को अर्घ्य दें। फिर तीसरा नियम है चंद्रमा जी को अर्घ्य देना। इसके लिए रोजाना शाम को खाना खाने से पहले चंद्रमा को अर्घ्य दें। इन दोनों नियमों के लिए चांदी के चांद सूरज पीहर से आते हैं, जिन्हें आप मंदिर में दान कर सकते हैं। चौथा नियम है रोजाना तुलसी जी को सींचना, दीपक जलाना और तुलसी जी की मांग भरना। यह तीनों नियम आप एक साथ भी ले सकते हैं। इस नियम के उद्यापन के लिए बहू के पीहर से 365 दिए, जो कि आटे से बनाकर चीनी की चाशनी चढ़ाए हुए होते हैं। यह दिए खोए यानी मावे से भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा 365 शक्कर पारे, एक लोटा और चांदी की मांग भरनी आती है, जिन्हें कलप कर खाने का सामान तो परिवार जनों में बांट दिया जाता है तथा बाकी सामान सासू माँ के पास रह जाता है। इसके अलावा चांदी का तुलसी जी का बिड़ला भी भेजा जाता है, यह भी सासू माँ के पास ही रह जाता है तथा एक तुलसी जी की साड़ी सुहाग सामग्री के साथ रखकर भेजी जाती है, जिसे आप किसी मंदिर या ब्राह्मणी को दे दें। यह सभी सामान बहू के द्वारा कलप दिया जाता है, तो बेटी और जवाई इसमें से कुछ भी नहीं खा सकते हैं, इसलिए बेटी और जवाई के लिए खाने पीने का सामान अलग से पैक करके भेजा जाता है। पांचवा नियम है घर के मंदिर में रोजाना शाम को दिया बत्ती करना। और इसके उद्यापन के लिए चांदी का दिया और बत्ती बहू के पीहर से आती है। छठा नियम है सामी रोटी देना। इस नियम में रोजाना एक साल तक ब्राह्मणी को दो रोटी देने का नियम लिया जाता है। यदि ब्राह्मण ना मिले तो गाय को दे दें। और इस नियम के उद्यापन के लिए बहू के पीहर से 365 मैदा की पापड़ी पर चाशनी चढ़ी हुई आती है, यह कलप कर परिवार जनों में बांटी जाती है। इस तरह से नई बहू के द्वारा मकर संक्रांति के यह नियम बहुत ही सरल विधि से पूरे किए जाते हैं। जय श्री राधे।